वेलकम टू मुन्नार, आल्सो नोन एज कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। मुन्नार केरला की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड आल्सो मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन है। प्लीजेंट क्लाइमेट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, टी गार्डन एंड रिफ्रेशिंग एयर की वजह से मुन्नार एक पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन भी है। इस वीडियो में मैंने अपने रीसेंट मुन्नार ट्रिप की डिटेल्स शेयर किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ शायोनी। अभी मैं हूँ मुन्नार में। हम लोग यहाँ पे यस्टरडे आए हैं। टुडे एंड टुमारो हम लोग आसपास की जो भी स्पॉट है हम लोग घूमेंगे एंड आपके साथ शेयर करेंगे, तो साथ में रहिएगा। चलिए घूमते हैं मुन्नार। तो सबसे पहले बात करते हैं आप मुन्नार पहुँचोगे कैसे। मुन्नार आप फ्लाई, ट्रेन, बस या अपनी ओन व्हीकल से जा सकते हो। मुन्नार का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से मुन्नार का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। आपको कैब मिल जाएगा एयरपोर्ट से मुन्नार जाने के लिए। ट्रेन में जाने के लिए आपको एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन में उतरना होगा। एर्नाकुलम से मुन्नार का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर। आपको स्टेशन से कैब मिल जाएगा मुन्नार के लिए। बस में जाने के लिए आपको बैंगलोर, चेन्नई या कोची से बस मिल जाएगा। हम लोग बैंगलोर से ओन व्हीकल लेके मुन्नार गए थे, जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए। इस ट्रिप की डिटेल्स वीडियो मैं बहुत जल्द चैनल में अपलोड करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर सैटरडे। टाइम अभी हुआ है 8:30। अभी हम लोग मुन्नार में साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। आज क्लियर स्काई है तो होपफुली हमें व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इको पॉइंट। हम लोगों के होटल से इको पॉइंट का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर। 30 मिनट के आसपास टाइम लग जाएगा। देखते ही देखते हम पहुंच गए इको पॉइंट। एंट्री फीस एंड पार्किंग चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता है। ये जगह फेमस है इसकी नेचुरल इको फेनोमेनन एंड इसकी ब्यूटी की वजह से। यहाँ पे बोटिंग भी होता है। दिस प्लेस इज वेरी आई सूदिंग। दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल दैट एवरी फोटोग्राफर वुड लव टू क्लिक दिस प्लेस। इको पॉइंट के सामने रोड साइड में आपको शॉप्स भी मिल जाएगा जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कुंदला डैम एंड लेक। बट रास्ते में हमें ये क्यूट सी एलिफेंट फैमिली दिख गया। लुक एट देम, दे आर सो क्यूट। इको पॉइंट से कुंदला लेक का डिस्टेंस है ओनली 12 किलोमीटर। एंट्री फीस यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन फोर व्हीलर का पार्किंग चार्जेस है 20 रुपीज। हम लोग जब कुंदला लेक पहुँचे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी टूरिस्ट नहीं था, इसलिए हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। पे भी बोटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। दिस लेक इज सराउंडेड बाय ग्रीन वैलीज एंड मैजेस्टिक लैंडस्केप्स। कुछ देर रुक के हम निकल पड़े टॉप स्टेशन के लिए। टॉप स्टेशन जाने वाली रोड की सीनिक ब्यूटी इज एक्सीलेंट। इस रोड की सीनिक ब्यूटी इतना ब्यूटीफुल है कि आप हर एक मोड़ पे रुककर व्यू एंजॉय करना चाहेंगे हमारी तरह। दिस प्लेस इज अ पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स एंड ऑल्सो फॉर फोटोग्राफर्स। टॉप
एलिवेशन यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है। एक्चुअली ये जगह तमिलनाडु में पड़ता है, ये बेसिकली केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में है। क्लियर स्काई होता है तो टॉप स्टेशन से मुन्नार का पैनोरामिक व्यू मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जब गए थे तब फुल क्लाउडी था एंड ऑल्सो वेरी वेरी क्राउडेड था। यहाँ पे शॉप्स है तो आप यहाँ से टी कॉफी स्पाइसेस भी बाई कर सकते हो। लौटने के टाइम हमने ब्रेकफास्ट कर लिया रोड साइड एक वेंडर से। अकॉर्डिंग टू मी हिल स्टेशन में गर्मा गर्म मैगी का बात ही कुछ अलग होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको भी ऐसा लगता है तो। देन हम आ गए मट्टुपेट्टी डैम, यहाँ पे भी बोटिंग होता है। कहते हैं मुन्नार आए तो यहाँ की टी फैक्ट्री जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे टी फैक्ट्रीज है, आप किसी पे भी जाके टी मेकिंग प्रोसेस देख सकते हो एंड यहाँ से टेस्ट करके टी खरीद भी सकते हो। नेक्स्ट हम चले गए कारमेलगिरी एलिफेंट पार्क। वैसे तो ये हमारा लिस्ट में नहीं था बट रास्ते में पड़ा इसलिए हम सोचे कि देख ही लेते हैं। यहाँ पे आप एलिफेंट राइड ले सकते हो, 15 मिनट्स का चार्जेस आता है 700 पर पर्सन। नहीं लगता है लेकिन एलिफेंट राइड के लिए पर पर्सन 700 रुपीस है, व्हिच आई थिंक इज कॉस्टली। हमारा इस दिन का लास्ट स्पॉट था फोटो पॉइंट। दिस प्लेस ट्रूली जस्टिफाइज इट्स नेम, दैट प्लेस वाज मैजिकल। Come out of your car and enjoy this beautiful place. इस दिन लंच में हमने ट्राई किया फिश पोल्ली छतु एंड अल्फन चिकन। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। फिश पोल्ली छतु एक ट्रेडिशनल केरला स्टार्टर है। यहाँ पे फिश को ऑनियन टोमेटो एंड मसाले के साथ बनाना लीफ में रैप करके कुक किया जाता है। फूड वॉज एक्सीलेंट। मुन्नार से आप टी स्पाइसेस चॉकलेट खरीद सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएगा। हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का मुन्नार में थर्ड डे है। अभी हम लोग साइट सीन के लिए जा रहे हैं, आसपास में दो तीन स्पॉट आज हम लोग देखेंगे तो लेट्स गो। इस दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम सबसे पहले चले गए कोथामेदु व्यू पॉइंट। वेरी ऑनेस्ट मुझे ये जगह ज्यादा खास नहीं लगी। इफ यू वांट यू कैन इजीली स्किप दिस प्लेस। मुन्नार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एवरी टर्न इज अ व्यू पॉइंट। सो कहीं पे भी रुककर एक टी और कॉफी के साथ ऐसे ग्रीनरी को एंजॉय कीजिए। फेमस टूरिस्ट स्पॉट है अट्टुकड वाटरफॉल। मेन मुन्नार टाउन से इसका डिस्टेंस है अराउंड 9 किलोमीटर। यहाँ पे लास्ट 3 किलोमीटर की रोड क्वालिटी बहुत ही खराब है। हम पहुंच गए अट्टुकट वाटरफॉल्स।
फॉल्स के सामने ऐसे फेंस लगा हुआ है, सो यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द फॉल्स। नेक्स्ट हम आ पहुंचे ब्लॉसम हाइडल पार्क। Here you can see different types of colorful flowers, medical plants, etc. Entry fees यहाँ पे है 50 rupees per adult और parking charges है 4-wheeler के लिए 40 rupees. If you like photography, then you can take amazing photos here. फोटो खींचने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट जगह है। Though this place is not as big as Ooty Botanical Garden, but this is very well maintained. अगर आप थोड़ा एडवेंचरस हो तो यहाँ पे जीप लाइनिंग भी ट्राई कर सकते हो। ये पार्क बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। Apart from all of these places, you can also visit Iravikulam National Park. हम लोगों का पहले जाने का प्लान था, बस इस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था एंड कौशिक डजंट वांट टू मिस दैट, सो हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा। इस दिन हमने लंच में ट्राई किए थे किड्जी चिकन परोटा, दिस इज आल्सो वेरी डिलीशियस फूड। बात करते हैं मुन्नार में आप साइट सीइंग कैसे करोगे। मुन्नार में घूमने के लिए आपको इजीली कैब मिल जाएगा, आप अपनी होटल वालों को भी बोलकर कैब अरेंज कर सकते हो। चार्जेस आ जाएगा अराउंड 2000 से 2500। मुन्नार में रहने के लिए आपको 1000 से 3000 के अंदर होटल मिल जाएगा, सीजन वाइज चार्जेस वेरी करता है। मुन्ना ट्रिप की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, बाय।